हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चित्र देखकर खालिस्तान भरना सीखेंगे और कुछ चित्रों के हम शब्द लिखना सीखेंगे और सही शब्द चुनकर खालिस्तानों को भरना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो खालिस्तान है, डैश निकल आया, तो यहाँ पर देखिए सूरज की फोटो है, तो हम यहाँ लिख देंगे सूरज। ये बड़े उ की मात्रा है। बड़े उ की मात्रा की जो शब्द होते हैं इनमें हमें थोड़ा खींच कर बोलना होता है ताकि हम छोटे उ की और बड़े उ की मात्रा में फर्क कर सके। हम सूरज सूरज तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सूरज, थोड़ा सा हमें लंबा खींचेंगे इसको। ऐसे ही डैश नाच रहा था, कौन नाच रहा था? भालू, तो यहां पर आ जाएगा भालू। ऐसे ही अब हमारा नेक्स्ट है डैश काट कर खा, क्या काट कर खा? अमरूद, अ म, और देखिए जो रा होता है, रा के ऊपर जो ऊ की मात्रा लगती है वो नीचे नहीं उसके पीछे की साइड यहां पर लगती है, अमरूद, देखिए यहां पे। तो क्या वाक्य बन गया हमारा अब ये, अमरूद काट कर रख। नेक्स्ट हमारा है डैश खरीद कर ला, क्या? देखिए यहाँ पे क्या, किस चीज की फोटो है? खजूर की, ख जू र, खजूर। इसके बाद डैश शालू, नहीं हमारा ऊपर वाला रह गया, देखिए यहाँ पर क्या है, डैश खजूर खा गया, कौन? चूही, चूहिया नहीं, यहाँ पे चूहा आएगा क्योंकि ये बड़े उ की मात्रा के शब्द हैं, चूहा, क्योंकि यहाँ पे हम जो चित्र देख रहे हैं इन सबके जो नाम हैं ये बड़े उ की मात्रा के शब्द हैं, तो हम यहाँ पे बड़े उ की मात्रा के ही शब्द लिखेंगे। शालू डैश में फूल लगा, किस में? फूलदान, तो हम यहाँ लिखेंगे फूल दान। नेक्स्ट हमारा है देखिए, मदारी डैश बजा, क्या बजा? डमरू, ड म रू, डमरू बजा। ऐसे ही राजू मीठा डैश खा, क्या खा? तरबूज, तो हम यहां लिख देंगे त र बू ज, तरबूज। ऐसे ही अगला हमारा है मीनू खूब डैश झूल, क्या? झूला, तो हम यहां लिख देंगे झूला, झूला। ऐसे ही अब हम सीखेंगे कुछ चित्रों को देखकर उनका नाम लिखना। तो देखिए पहला हमारा जो चित्र है वो है भालू का, किसका? भालू का, तो हम यहां लिख देंगे भालू। अब ये किस चीज की फोटो है? कबूतर, तो यहां लिख देंगे कबूतर। नेक्स्ट हमारी है डमरू, ड म रू, डमरू, और यहां पर देखिए किस चीज की फोटो है? तराजू, त रा जू, तराजू। इसके बाद हम आगे लिखेंगे, देखिए किस चीज की फोटो है? तरबूज की, त र बू ज, तरबूज। इसके बाद चूहा, चूहा। तो आपने देखा हमने कुछ फोटो जो पिक्चर हमें दे रखी थी, चित्र दे रखे थे, हमने उनके नाम लिखे। अब हम सही शब्द चुनकर खालिस्तानों को भरेंगे। तो देखिए डैश निकल आया, क्या निकल आया? गुलाब या सूरज? नहीं, सूरज आएगा, तो हम यहां लिख देंगे सूरज। डैश नाच रहा था, भालू या आलू? तो यहां पर आएगा भालू। डैश निकल आई, धूप या भालू? धूप। डैश बहुत खुश था,
रामू या डमरू? रामू। रामू मीठा डैश खा, क्या खा? खजूर या पशु? तो यहां पर हम लिख देंगे खजूर। ख जू र खजूर। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से चित्रों की सहायता से खालिस्तान भरना सीखा। तो आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके से प्रैक्टिस कराइए ताकि वो एकदम उनकी नींव जो है वो मजबूत हो जाए, वो मात्राओं में बिल्कुल भी गलतियां ना करे। क्योंकि जब हमारी नींव मजबूत नहीं होती तो हमारी आगे की जो पढ़ाई है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमें अपना बेस अच्छा तैयार करना चाहिए ताकि हम आगे जाके मिस्टेक ना करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।